जिंदा होते तो आज उनका 37वां जन्मदिन होता। 14 जून 2020 को दुनिया को अलविदा कह गए सुशांत की मौत आज भी अनसुलझी पहेली है। सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी। 2.5 साल बीत गए लेकिन सुशांत की मौत का मुद्दा आज भी गर्म है। मामले की गर्माहट को बनाए रखा गया है सोशल मीडिया ने। आज हम सुशांत के जन्मदिन पर उस शख्स से आपको मिलवा रहे हैं जिसने पिछले 2.5 साल से सुशांत को लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। सुशांत की मौत को भूलने नहीं दिया गया। आपको बता दें, अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर जितने भी हैशटैग ट्रेंड करते हैं उनके पीछे एक ही इंसान है तो ये गलत नहीं होगा। नीलोत्पल मेराल वो है जिन्होंने सुशांत की मौत के दिन से ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू कर दिया था। समय गुजरता गया, हैशटैग ट्रेंड बढ़ते गए। आपको बता दें, हैशटैग जस्टिस फॉर SSR, हैशटैग CBI फॉर SSR, हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत, ऐसे दर्जनों ट्रेंड हैं जो नीलोत्पल की कोशिशों का नतीजा है। आपको बता दें, सुशांत सिंह के कजिन के दोस्त नीलोत्पल उन 5 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अंतिम यात्रा में सुशांत को कंधा दिया था। अब नीलोत्पल सुशांत की याद में एक वेबसाइट भी चलाते हैं जिसके जरिए उन्होंने दुनिया भर के फैंस को जोड़ रखा है। सुशांत की यादों में पौधा लगाना, गरीबों को खाना बांटना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, ऐसे कई काम नीलोत्पल करते हैं। वो सिर्फ सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बल्कि वो सुशांत की अधूरी ख्वाहिशों को भी पूरा करने में जुटे हैं। जैसे सुशांत की इच्छा थी कि वो पौधे लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।